हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं टॉप 10 क्लासेस और मैं हूं आशीष सर। तो गाइस, फर्स्टली आई वुड लाइक टू आस्क दैट व्हाट एवर यू हैव रीड इन लास्ट क्लासेस, आर यू श्योर्ड अबाउट दैट, हैव यू सेटिस्फाइड और नॉट। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी ये प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि ऑनलाइन है आप तो तुरंत ही आप अपना कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए। आप कमेंट करके ये बताइए कि जो आपने पिछली क्लास पढ़ी है वो आपके अच्छे से समझ में आई या नहीं। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस, और उसके बाद टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं हमने वो पढ़ा था, और टेंस में आपने कल पढ़ा था प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस। क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनडिफिनिट। इनडिफिनिट मतलब क्या होता है गाइस? मैंने आपको बताया था ना, इनडिफिनिट का मतलब अनिश्चित। कार्य तो वर्तमान में ही होगा लेकिन निश्चित नहीं है उसके कार्य के होने की अवधि, उसके काम का जो समय होता है वह निश्चित नहीं होता। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, अब बाजार में सुबह भी जा सकता हूँ, शाम को भी जा सकता हूँ, दोपहर में भी जा सकता हूँ, तो मेरे जाने का टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंडिफिनिट कहते हैं। इंडिफिनिट मतलब क्या हो जाता है? अनिश्चित होता है गाइस। तो अनिश्चित के बारे में हमने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने आ जाए श्याम बांसुरी बजाता है, हमने आप लोगों को बताया था श्याम बांसुरी बजाता है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या था, हम लोगों को चूज करना होता था कि सब्जेक्ट क्या है। हमने बताया था व्हेन एवर यू आर नॉट गेटिंग सब्जेक्ट, जस्ट आस्क क्वेश्चन विथ हु, व्हाट एवर विल कम आउट दैट इज अ सब्जेक्ट। जब आपको सब्जेक्ट ना समझ में आए तो वाक्य में कौन लगा के प्रश्न कीजिए, कौन लगा के प्रश्न करने पर जो कुछ भी आएगा वो क्या होगा आपका, वही कहलाता है आपका सब्जेक्ट। गाइस, सबसे पहले तो आप डरना छोड़ दीजिए, बिल्कुल डरिए मत, जो भी आपके मन में है उसे एक्सप्रेस कीजिए। अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आपको नहीं आता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको नहीं आता है, आपको सब आता है, बस प्रॉब्लम यही है कि आपने ये मान लिया है कि आपको नहीं आता है। आप ठान लीजिए कि मुझे आना है, कम आता है लेकिन पूरी तरह से आना है, तो डेफिनेटली आपको आएगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पहले अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि आपको नहीं आता है, आपको आता है, कम है आपको, कम आता है, कमज़ोर हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं कि कमज़ोर रहना है। मैं आपको अंग्रेजी सिखा के दम लूँगा, केवल आप मेरे साथ चलते जाओ, जैसा मैं कह रहा हूँ आप वैसा करते जाओ, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है कि मैं आपको अंग्रेजी सिखा के ही छोड़ूंगा। तो क्या होता है, श्याम बांसुरी बजाता है, बांसुरी कौन बजाता है, मैंने क्या कहा कि श्याम बांसुरी बजाता है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि कौन बजाता है, तो पता लग रहा है कि श्याम बजाता है, यानी कि श्याम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, श्याम हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते थे, पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, क्या किया जा रहा है, बजाने का काम हो रहा है, तो बजाने की इंग्लिश क्या होती है, बजाने की इंग्लिश होती है प्ले। अब यहाँ पे भैया, चूंकि बजाने की इंग्लिश अगर आप ढूंढेंगे तो होता क्या है, होता तो है आपका रिंग माने बजाना, लेकिन अब बांसुरी को हम घंटी जैसा तो बजाएंगे नहीं, घंटी जैसी नहीं बजाई जा सकती ना, हम इसे होठों से बजाते हैं, होठों के साथ इसमें हवा करते हैं तो ये बजता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर प्ले लगता है। अब चूंकि श्याम क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, श्याम प्लेज। क्या बजाता है भैया, बांसुरी, बांसुरी की इंग्लिश क्या होती है, फ्लूट होती है, तो श्याम प्लेज फ्लूट, श्याम बांसुरी बजाता है। इज दैट क्लियर, श्याम बांसुरी बजाता है। चलिए इसी तरीके से निगेटिव आपने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए इसी सेंटेंस को बनाना हो कि श्याम बांसुरी नहीं बजाता है, तो आप क्या बताते हैं, श्याम डज नॉट प्ले ल्यूट, फ्लूट ना, फ्लूट। अगर आप यहां से गाइस यफ हटा देंगे, जैसे इस सेंटेंस से यफ गायब हुआ, इस वर्ड से यफ गायब हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ल्यूट हो जाएगा। और ल्यूट का मतलब क्या होता है आपको पता है, ल्यूट का मतलब होता है बांसुरी, हाँ वही वाला, सॉरी, ल्यूट का मतलब होता है बीन, वही वाला बीन जो सांपों को बाहर निकालने के लिए बजाया जाता है। तो मैं ये आपके सामने ल्यूट नहीं बजाऊंगा, मैं फ्लूट की बात कर रहा हूँ, आपको फ्लूट सुनना है, बांसुरी पे आना है, आप बांसुरी की धुन सुनो, मस्त रहो, और मस्त रहोगे तो आप अच्छे से पढ़ोगे। इसलिए पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बी पॉजिटिव हो, बी एक्टिव हो, एनर्जी को, क्योंकि अगर आप में एनर्जी है, ऊर्जा है, इच्छा है, तो नो वन कैन स्टॉप यू, सो ऑलवेज बी एक्टिव फॉर स्टडी। सो अब आगे आते हैं हम लोग आज के क्लास पे, ये तो कल का था, आज के क्लास में आते हैं हम। आज का क्लास है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस
टेंस। नाउ गाइस जस्ट एनालाइज अबाउट दैट, मैंने क्या कहा था कि अगर आपको वर्ड या सेंटेंस जो आपके सामने है उसकी हिंदी क्लियर होगी, आप हिंदी जानते होंगे और हिंदी आपके समझ में आ जाएगी, तो आधे से ज्यादा सेंटेंस सॉल्व हो जाता है आपका। इसलिए सबसे पहले हम इसके हिंदी के ऊपर प्रकाश डालेंगे। टेंस माने क्या होता है? काल होता है। क्या होता है? काल होता है। हमने आपको कल ही पढ़ाया था काल, काल आपको कल ही पढ़ाया गया था ना। तो टेंस माने काल हो गया, प्रेजेंट माने वर्तमान हो गया, कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब क्या होता है? लगातार या निरंतर। तो इसका मतलब हो गया लगातार या निरंतर वर्तमान काल। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? निरंतर वर्तमान काल। अब निरंतर वर्तमान काल की बात कर ली जाए अगर, निरंतर वर्तमान काल हो गया। अब निरंतर वर्तमान काल में हम आते कहाँ पे हैं? स्ट्रक्चर पे आते हैं। आप गेस कीजिएगा गाइस, इसको हम पहचानते कैसे हैं कि व्हेन, रहा है, रही है, रहे हैं, दिस टाइप ऑफ वर्ड विल कम इन द लास्ट ऑफ वर्ब, देन वी शैल नो इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब गेस कीजिए फिर से आप, व्हेन, रहा है, रही है, रहे हैं, दीज टाइप ऑफ वर्ड विल कम इन द लास्ट ऑफ वर्ब, देन वी शैल नो इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। या फिर आप हिंदी में बताना चाहते हैं तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का समझा जाता है। तो हम आप इसका आइडेंटिफिकेशन लिख लेते हैं गाइस। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा? व्हेन, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, दीज टाइप ऑफ वर्ड विल कम इन द लास्ट ऑफ वर्ब, देन वी शैल नो इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके गाइस, फिर से माइंड कर लीजिए, व्हेन, रहा है, रही है, रहे हैं, दीज टाइप ऑफ वर्ड विल कम इन द लास्ट ऑफ वर्ब, देन वी शैल नो इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इज दैट क्लियर? आर यू श्योर अबाउट इट? पूरी तरह से क्लियर हो गया? ओके, नाउ वी शुड गो अहेड, अब आगे चलते हैं। चलिए, ये तो आपका आइडेंटिफिकेशन हुआ जिसे आप क्या कहते हैं? पहचान। इसके बाद बारी आती है आपकी स्ट्रक्चर, या इसको हम कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में पहला सेंटेंस आपका होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस? सबसे पहले हमारा काम होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, एंड आफ्टर दैट इट्स अ टाइम ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो क्या होता है? द सेंटेंस वुड बी जस्ट लाइक अ पॉजिटिव, ओनली वी हैव टू यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। ओके गाइस, नाउ इट्स अ टर्न ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम सबका स्ट्रक्चर एक साथ बता रहे गाइस, सारा स्ट्रक्चर आप एक साथ नोट करेंगे, उसके बाद सबका एग्जांपल बारी बारी से बताएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्टली वी हैव टू नोट डाउन क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ऑलवेज माइंड दैट गाइज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अगर हम प्रश्नवाचक वाक्य की बात करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य की अगर हम बात करते हैं, तो प्रश्नवाचक का मतलब अगर सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक है तो ये क्वेश्चन मार्क्स कंपलसरी है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब इसके बाद क्या आता है आपका, तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर बनाए हैं। स्ट्रक्चर में आपका सबसे पहला सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को मैंने आपको पहले भी बताया था, अफर्मेटिव सिंपल या फिर क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस किसी भी तरीके से हम संबोधित करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अब अगर कुछ लोग ये करते हैं कि आपसे ये पूछ ले कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है मुझे बताओ, मुझे नहीं पता है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे आपको मैथ में पूछ लिया जाता है कोई सवाल और कहते हैं कि सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करने के लिए आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, राइट हैंड साइड तक सॉल्व करते हैं, तो आप सिद्ध कर पाते हैं। तो इसी तरीके से अगर कोई ये पूछ ले कि ये साधारण वाक्य नहीं है, आप बताइए कि साधारण वाक्य है, तो डोंट बी हेजिटेट, डोंट बी पैनिक, जस्ट बी कंफर्टेबल एंड बी रिलैक्स एंड माइंड मी, थोड़ा सा मुझे याद कर लीजिएगा, मेरे शब्दों को याद कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक आप अच्छे से बता पाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि बी एक्टिव। जैसे आप यहां पे हमने पॉजिटिव की बात की, पॉजिटिव की बात होगी तो आप क्या बता सकते हैं कि व्हेन एनी काइंड्स ऑफ निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव वर्ड विल नॉट कम इन द सेंटेंसेस, देन वी शैल नो इट इज पॉजिटिव सेंटेंस। जब वाक्य में किसी भी प्रकार का नकारात्मक अथवा प्रश्नवाचक शब्द नहीं आता है तो वही वाक्य क्या कहलाता है, साधारण वाक्य कहलाता है। फिर निगेटिव की बारी आती है तो हम क्या बताएंगे, व्हेन एनी काइंड्स ऑफ निगेटिव वर्ड विल कम इन द सेंटेंसेस देन वी शैल नो इट इज निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद क्या होता है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव किसे बोलते हैं, व्हेन एनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चन वर्ड विल कम इन द सेंटेंसेस देन वी शैल नो इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो हम क्या बताएंगे, व्हेन एनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव वर्ड विल कम इन द सेंटेंसेस देन वी शैल नो इट इज इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब चलिए हम लोग आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, हम इसको सब इरेज करते हैं, सब मिटाते हैं। जैसे देखिए आप, मान लीजिए आपके सामने आ जाए कि वह बाजार में अपना समय व्यतीत कर रहा है, ओके गाइस, हो गया, वह बाजार में अपना समय व्यतीत कर रहा है या वह अपना समय बाजार में व्यतीत कर रहा है, ठीक है, वह अपना समय बाजार में व्यतीत कर रहा है या फिर आप कह सकते हैं वह बाजार में अपना समय व्यतीत कर रहा है। तो सबसे पहले कौन, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही के बाद क्या लगता है, ही के साथ लगता है इज, ही के साथ इज, ही सी इट और नेम, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ गाइज क्या यूज करना है, इज यूज करना है, एक वचनकर्ता के साथ इज और आई के साथ हमेशा क्या यूज होगा, एम, यू, वी, दे के साथ में क्या यूज करेंगे, आर। तो आप क्या कह सकते हैं, ही सी इट और किसी के नाम के साथ इज, आई के साथ एम, यू, वी, दे के साथ आर, तो यहाँ पे क्या है, ही है, तो हम क्या करेंगे, ही इज कर क्या रहा है, व्यतीत कर रहा है, व्यतीत करने की इंग्लिश क्या होती है भैया, पास करना होता है, ही इज पासिंग, पास प्लस आई एन जी, ही इज पासिंग किसका समय, अपना, ही इज पासिंग हिज टाइम, हिज टाइम, हिज पासिंग हिज टाइम, वह अपना समय व्यतीत कर रहा है, कहां पर कर रहा है, इन मार्केट, इन मार्केट, ओके। जैसे तुम उसको थप्पड़ मार रहे हो, ठीक है, तुम उसको थप्पड़ मार रहे हो, तो भैया कौन थप्पड़ मार रहा है, तुम मार रहे हो, तुम मतलब आप मार रहे हो, तो आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू, यू के साथ हमने क्या बताया अभी, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो यू आर,
ठीक है, यू आर क्या कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। थप्पड़ मारने की इंग्लिश क्या होती है गाइस, स्लैप। क्या होती है, स्लैप। तो स्लैप में क्या करेंगे, आई एन जी लगा देंगे। तो यू आर स्लैपिंग, यू आर स्लैपिंग, आप उसे मार रहे हो, आप मार रहे हो, किसको मार रहे हो, उसको, यू आर स्लैपिंग हिम। ठीक है, चलिए सेंटेंस को थोड़ा सा लंबा करके देखते हैं, छोटा छोटा सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे किसान खेत में बच्चों के साथ काम कर रहा है, ठीक है, किसान खेत में बच्चों के साथ काम कर रहा है, तो कौन काम कर रहा है भैया, किसान कर रहा है, तो किसान की इंग्लिश क्या होती है, फार्मर, फार्मर। और आफ्टर दैट क्या है, फार्मर क्या है, सिंगुलर नंबर है, जस्ट ट्राई टू एनालाइज, इट इज अ सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, इज, फार्मर इज, कर क्या रहा है भैया, काम कर रहा है, तो फार्मर इज वर्किंग, फार्मर इज वर्किंग, कहाँ पर, बच्चों के साथ खेत में, तो फार्मर इज वर्किंग कहाँ कर रहा है, इन फील्ड, फार्मर इज वर्किंग इन फील्ड, कैसे कर रहा है, बच्चों के साथ, विथ चिल्ड्रेन। जैसे निगेटिव में आते हैं, हम नदी में सुबह नहीं नहा रहे हैं, ओके गाइस, हम नदी में सुबह नहीं नहा रहे हैं, तो कौन नहीं नहा रहा है, हम की इंग्लिश क्या हो जाती है, वी, और वी के साथ क्या लगाते हैं, हम आर लगाते हैं, क्योंकि वी क्या है, बहुवचन है, तो वी आर, उसके बाद नेगेटिव वर्ड आ गया है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉट, वी आर नॉट, क्या करते हैं, नहा रहे हैं, नहाने की इंग्लिश क्या होती है, बाथ, बाथ होती है, तो बाथ में क्या लगेगा, आई एन जी, वी आर नॉट बाथिंग, कहाँ पर, इन रिवर, वी आर नॉट बाथिंग इन रिवर इन द मॉर्निंग, इज दैट क्लियर। जैसे क्या छात्र अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, ओके गाइस, क्या छात्र अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, नाउ जस्ट गेट एनालाइज, क्या से आपसे क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, और मैंने आपसे क्या बताया था कि जब प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो प्रश्नवाचक मार्क्स अवश्य लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, क्वेश्चन वर्ड आया, क्वेश्चन मार्क आ गया, अब क्वेश्चन मार्क आ गया है, तो हम पूछ रहे हैं कि क्या छात्र अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपना बर्बाद कर रहे हैं, अगर करते हैं गाइस तो अब समय नहीं है आपके पास, बिल्कुल डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट यूज योर टाइम, बिकॉज टाइम इज प्रीसियस फॉर यू। तो आप क्या करेंगे, क्या आज छात्र अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या सबसे पहले आ गया है, जब भी वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आता है तब हम इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार इस वाक्य को हम सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। तो सहायक क्रिया क्या होगा, छात्र समय बर्बाद कर रहे हैं, अगर कर रहा है होता तो एक की बात होती, कर रहे हैं आ रहा है, यानी कि एक से अधिक है, तो एक से अधिक है तो क्या लग जाएगा, आर यू, आर यू क्या कर रहे हैं, बर्बाद, आर यू या आर स्टूडेंट, आर स्टूडेंट्स, आर यू आर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, वेस्टिंग, आर स्टूडेंट वेस्टिंग किसका, दियर टाइम, दियर टाइम, आर स्टूडेंट वेस्टिंग दियर टाइम, इज दैट क्लियर गाइस। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया, अभी इसमें बचता क्या है आपका, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। आज गाइस आपको मेहनत करना है, थोड़ा तेजी से चलना है, हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हमने बताया ना कि आपके पास टाइम का अभाव है, समय कम काम ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा सा सेंटेंस भी ज़्यादा ज़्यादा पढ़ने हैं, कम से कम करके चलेंगे तो आप लोगों को समय में दिक्कत होगी। तो अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव पे, जैसे मान लीजिए वह कमरे में अपना पार्ट
क्यों नहीं याद कर रही है? वह कमरे में अपना पार्ट क्यों नहीं याद कर रही है गाइस? नाउ जस्ट माइंड अबाउट दैट, वह कमरे में अपना पार्ट क्यों नहीं याद कर रही है? तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई। वाई है, उसके बाद कौन है? वह। वह क्या है? एक वचन है, सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या लगेगा? इज। वाई इज। उसके बाद वह की इंग्लिश क्या होती है? सी। क्यों? क्योंकि रही है। अगर रहा है होता तो मेल होता, रही है यानी कि फीमेल है, फीमेल के लिए हम क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं। तो वाई इज सी क्या कर रही है? नहीं कर रही है ना, तो नॉट। फिर याद करना, याद करने की इंग्लिश लर्न प्लस आई एन जी। वाई इज सी नॉट लर्निंग? किसका? अपना पार्ट। हर लेसन, हर लेसन कहां पर? इन इन रूम। ओके गाइस, वन मोर। जैसे प्रधानाचार्य बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? ठीक है, प्रधानाचार्य बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? तो सबसे पहला काम क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। और प्रधानाचार्य क्या है? एक वचन है तो लग जाएगा इज। वाई इज। प्रधानाचार्य की इंग्लिश क्या होती है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। वाई इज प्रिंसिपल, फिर निगेटिव वर्ड है तो नॉट। क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है गाइज? टीच प्लस आई एन जी। Why is principal not teaching? Principal क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या बच्चों को? Teaching to children. Is that clear? चलिए, ये हो गया आपका present continuous tense. अब हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? अगला sentence कौन सा? Present perfect tense. Perfect मतलब क्या होता है guys? थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट कीजिए। मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है तो हिंदी आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। हिंदी आप वर्ड की हिंदी निकाल पाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। जितना आपका वर्ड क्लियर होगा उतना अच्छा आप पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। देख लीजिए, प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान। फिर परफेक्ट, परफेक्ट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैंने अभी क्या बताया था? प्रेजेंट माने वर्तमान, परफेक्ट माने पूर्ण, और टेंस मतलब काल। तो इस तरह से इसका अर्थ क्या हो गया? पूर्ण वर्तमान काल। क्या हुआ? पूर्ण वर्तमान काल। फिर से बोलिए, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, साथ में बोलते रहिए तो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल। अब इसमें भी आता है आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हो गया। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? हमने बताया था व्हेन, चुका है, लिया है, गया है, दीज टाइप ऑफ वर्ड विल कम इन द लास्ट ऑफ वर्ब, लास्ट ऑफ वर्ब, देन वी शैल नो It is present perfect tense. Okay guys, फिर से mind कीजिए। Identification, when, चुका है, लिया है, गया है। When चुका है, लिया है, गया है, दिया है, पाया है, these type of word will come in the last of verb, then we shall know it is
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि आप कह सकते हैं जिस वाक्य से यह भाव प्रकट हो कि कार्य पूरा हो चुका है उसे हम परफेक्ट कहते हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से पूरा हुआ है, वर्तमान में पूरा हुआ है कि भूतकाल में पूरा हुआ है या भविष्य काल में। तो जिस भी काल में होगा उसके साथ में आएंगे, तो चुका है आ रहा है यानी कि प्रेजेंट का है, वर्तमान का है। तो आते हैं हम लोग कहाँ पर, अब इसके कंस्ट्रक्शन पर, कंस्ट्रक्शन पे आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होगा आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नाउ इट्स टर्न ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस तो हो जाता है क्या आपका, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। आफ्टर दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे तो क्या होगा, फर्स्टली क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क्स। एंड आफ्टर दैट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो हो जाएगा क्या, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क्स। नाउ जस्ट माइंड अबाउट दिस वन, आप अपना पार्ट, आप अपना पार्ट याद कर चुके हैं, राइट? क्या हो गया, मैंने क्या लिखा, फिर से आप देखिए एकदम स्टार्टिंग से देखिए। वेन चुका है, लिया है, गया है, दिस टाइप ऑफ वर्ड विल कम इन द लास्ट ऑफ वर्ब, देन वी शैल नो इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, लिया है, गया है आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब उसके बाद क्या आता है आपका, कंस्ट्रक्शन आता है। कंस्ट्रक्शन में अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, उसी का एग्जांपल मैंने लिखा है। आप अपना पार्ट याद कर चुके हैं, कौन याद किया है, आप याद किए हैं, तो आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू हो जाती है। तो यू के साथ क्या लगता है भैया, हैव लगता है, क्यों, क्योंकि यू जो होता है वो होता है बहुवचन, बहुवचन के साथ हैव, तो यू हैव क्या है, याद कर चुके हैं, याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म हो जाता है लर्न्ड, यू हैव लर्न्ड क्या, अपना पार्ट, अपना पार्ट मतलब यू के साथ क्या लगता है, योर, और पार्ट के लिए क्या लगता है, लेसन, यू हैव लर्न योर लेसन। जैसे भिखारी भीख मांग चुका है, ठीक है, भिखारी भीख मांग चुका है, तो कौन मांगा है भैया, भिखारी, भिखारी की इंग्लिश क्या होती है, बेगर, क्या होता है, बेगर, और बेगर क्या है, सिंगुलर है, हैज क्या किया है, भीख मांगना। अब ऐसा नहीं कि मांगने की इंग्लिश अलग लगेगी और भीख की अलग लगेगी, तो बेगर का क्या हो जाता है, बेगर हैज बेग्ड, बेगर हैज बेग्ड। चले ठीक है, इसको आप कंसंट्रेट कीजिए, इसको देखिए, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे तो हम पूरा व्हाइट बोर्ड आपका क्लियर कर देते हैं, ठीक है। चलिए, समझ में तो आ रहा है ना गाइस, हमने आपसे बार बार कहा है कि अगर आपको
किसी भी वीडियो में प्रॉब्लम समझ में आती है, नहीं समझ में आ रहा है, या आपको कोई सुझाव देना है, तो जस्ट गो ऑन कमेंट बॉक्स एंड सेंड अस मैसेज एंड वी विल डेफिनेटली माइंड अबाउट दैट व्हाट वुड बी। अगर आप लोग कंसंट्रेट करेंगे और आप लोग कहाँ पहुँचेंगे कमेंट बॉक्स में, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर कुछ ना कुछ पाएंगे, और अगर आप रिप्लाई करेंगे तो हम उसमें चेंजिंग करने का काम करेंगे। जैसे शिकारी धनुष लेकर जंगल में नहीं गया है। ओके गाइस, हो गया क्या? शिकारी धनुष लेकर जंगल में नहीं गया। धनुष लेकर नहीं गया तो क्या भैंस चराने गया है? नहीं, शिकारी है तो सिंपल सा ऑप्शन है, शिकार करने वाला है, लेकिन बताया जा रहा है नहीं गया है, मतलब भूल गया होगा। हो सकता है उस दिन उसका इच्छा न रहा हो शिकार करने का। तो क्या कह रहे हैं कि शिकारी धनुष लेकर जंगल में नहीं गया है, तो कौन नहीं गया है? शिकारी। शिकारी की इंग्लिश क्या होती है? हंटर। हंटर हो गया। अब आप गेस कीजिए, हंटर क्या है? सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर है ना, तो हंटर के साथ क्या लगेगा? हैज। हंटर हैज नहीं, नॉट। हंटर हैज नॉट गया। गया की इंग्लिश क्या होती है? गो। गो का थर्ड फॉर्म हैज नॉट गॉन। हंटर हैज नॉट गॉन कहाँ गया है? इन फॉरेस्ट। हंटर हैज नॉट गॉन इन फॉरेस्ट। कैसे? धनुष लेकर विथ बो ऑन। ठीक है, हंटर हैज नॉट गॉन इन फॉरेस्ट विथ बो ऑन। जैसे लेखक आपके लिए, लेखक आपके लिए कहानी नहीं लिखा है, ओके गाइस, क्या हो गया कि लेखक आपके लिए कहानी नहीं लिखा है, तो कौन नहीं लिखा है? लेखक। लेखक की इंग्लिश क्या होती है? राइटर। क्या हो जाती है? राइटर। राइटर क्या है? सिंगुलर नंबर, तो क्या लग जाएगा? हैज। उसके बाद नेगेटिव वर्ड है तो नॉट। राइटर हैज नॉट किया क्या है? लिखा है। राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। ठीक है, राइटर हैज नॉट रिटेन। राइटर हैज नॉट रिटेन क्या नहीं राइट किया है? स्टोरी। Writer has not written story किसके लिए? For you। जैसे आप चाय क्यों नहीं बनाए हैं? ठीक है, आप चाय क्यों नहीं बनाए हैं, तो कौन नहीं बनाया है? आप। लेकिन सबसे पहले में क्या करना है? क्यों। क्यों को हम ले आते हैं इस तरफ, तो क्या हो जाएगा? वाई। उसके बाद आपके साथ क्या लगेगा? हैव। उसके बाद यू, फिर नेगेटिव वर्ड है तो वाई हैव यू नॉट। वाई हैव यू नॉट बनाने की इंग्लिश भैया? चाय बनाई जाती है कि तैयार की जाती है? आई थिंक तैयार की जाती है ना। तैयार करने की इंग्लिश क्या होती है? प्रिपेयर होती है, तो क्या हो जाएगा? वाई हैव यू नॉट प्रिपेयर टी। वाई हैव यू नॉट प्रिपेयर टी, कुछ बच रहा है, आपने क्यों प्रिपेयर मैंने नहीं लिखा ना, क्या होता है? वाई हैव यू नॉट प्रिपेयर। अब प्रिपेयर, उसके बाद क्या हो जाएगा? ईडी। प्रिपेयर्ड क्या? टी। वाई हैव यू नॉट प्रिपेयर्ड टी। तो इज दैट क्लियर? अब आते हैं हम, आप सब देख लीजिए फिर से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, लिया है, गया है, दिया है आदि शब्द आता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का समझा जाता है। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भी सेंटेंस के अंत में गया है, दिया है, पाया है, खाया है, सोचा है, ऐसे सेंटेंस आए जिससे यह भाव प्रकट हो कि वाक्य पूरा हो चुका है, जो सेंटेंस है आपका वह समाप्त हो चुका है, तो उस जगह पे हम किसको लिखते हैं? परफेक्ट टेंस को लिखते हैं। तो सेंटेंसेज आपके सामने हैं, आई होप गाइज यू हैव डेफिनेटली गॉट इट, और अगर आपने इसे समझ लिया है तो डेफिनेटली दैट वुड बी बेटर। सो जस्ट थिंक ऑफ इट एंड ऑलवेज इफ यू आर गेटिंग इट ऑल, डेफिनेटली इट इज रनिंग वेल। सो इफ यू आर गेटिंग एंड यू आर सेटिस्फाइड विद द वीडियोज, सो जस्ट गो ऑन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड रीड इट एंड गिव मी रिप्लाई दैट यू आर जस्ट गेटिंग अस। आपके समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए कि
कि आपके समझ में आया। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है, आपके समझ में नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो भी आप अपना रिएक्शन, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम उस पर केयर करेंगे, उसमें परिवर्तन करेंगे, कुछ नया होगा तो डेफिनेटली दैट विल बी बेटर फॉर यू। सो आप लोग डेफिनेटली जुड़े रहिए अपने क्लासेस के साथ, आपका अपना क्लास टॉप 10 क्लासेस, और मैं हूं आशीष सर। अब फिर मिलेंगे आपसे हम इसी क्लास में आगे के टेंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।